What's up guys, welcome to Uttu sir ki TV, the bong guy from Tripura. Time aa gaya hai site execution series part 5 ka. Part 5 mein aap dekhenge reinforcement detailing of tie beam, importance of tie beam and casting of tie beam. To chaliye construction site pe chalte hain. Ye hai grade beam ka case, isko tie beam bhi bolte hain. To ye आप देख सकते हैं जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर अभी एक रिंग के साथ अटैच है, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, फिर इसका कास्टिंग होगा. पेडेस्टल के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला है साइट एग्जीक्यूशन सीरीज Part 3 में. अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं. अब ग्रेड बीम आप देख सकते हैं पूरा सारे कॉलम के साथ टाइड है. टाई बीम मतलब ग्रेड बीम का फंक्शन क्या होता है गाइज, बिल्डिंग में जब लेटरल लोड आते हैं जैसे कि अर्थक्विक लोड और विंड लोड, तब ये ग्रेड बीम बहुत ही इफेक्टिव होता है. ये ग्रेड बीम पूरे फाउंडेशन को, सारे कॉलम को एक साथ टाइट करके रखता है. तो जब भी शेक होता है, मतलब अर्थक्विक में तो शेक होता है, तो उस टाइम ये पूरे कॉलम को एक साथ टाइट रखता है ताकि कोई सेटलमेंट ना हो फाउंडेशन का, और सेटलमेंट हो भी तो एक साथ हो. तब टाइट बीम का मैं रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग दिखा देता हूँ. ये देखिए, ये है केस जिसमें कि टोटल 5 रॉड है. ऊपर मतलब कॉम्प्रेशन जोन में 2 रॉड है और नीचे टेंशन जोन में 3 रॉड है. तो पांचों रॉड 16 mm का है. और इसमें ये देख सकते हैं, ये है शियर रिइंफोर्समेंट जिसे स्टीरअप भी बोलते हैं और जनरल टर्म में रिंग भी बोलते हैं. तो शियर रिइंफोर्समेंट में ये है हुक जो 135 डिग्री एंगल में है और इसका लेंथ है 3 इंच, मतलब 75 mm. इसका स्पेसिंग देख सकते हैं आप, जो कॉलम के क्लोज वाले जितने भी रिंग हैं इसका स्पेसिंग अलग है, और मिडिल में मतलब बीच वाले रिंग में स्पेसिंग अलग है. तो इसका फंडा क्या है, फ्लेक्जरल मेंबर में, जैसे कि बीम एक फ्लेक्जरल मेंबर है, तो फ्लेक्जरल मेंबर में जब लोड आता है तो शेयर फोर्स सबसे ज़्यादा सपोर्ट में होता है. कॉलम एक सपोर्ट है तो सपोर्ट के करीब ज़्यादा शेयर फोर्स होता है, तो इसलिए हम शेयर रिइंफोर्समेंट ज़्यादा देते हैं. जो रिंग है, जो स्टीरअप है, वो ज़्यादा है तो इसलिए इसका स्पेसिंग कम है, मतलब 4 इंच स्पेसिंग है इधर सपोर्ट के करीब दोनों साइड. देख सकते हैं, और जो बीच में है मिडल पार्ट में उसका स्पेसिंग है 6 इंच. मिडल में शेयर फोर्स कम होता है इसलिए मिडल में शेयर इन्फोर्समेंट कम है. तो कॉलम के करीब, सपोर्ट के करीब शेयर फोर्स ज़्यादा है इसलिए शेयर इन्फोर्समेंट ज़्यादा है, इसलिए स्पेसिंग कम है. जो रिंग है स्टीरअप से, उसका हुक जहाँ पर है, मतलब जो जहाँ पर लेपिंग है, अब इसको लेपिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पूरा राउंड होके यहाँ पर लेप हुआ है, जॉइंट भी बोल सकते हैं. तो जो जॉइंट है वो आप कंटिन्यू एक साइड में कभी ना दे, इसको अल्टरनेट करें, हमेशा अल्टरनेट करके देखें. जैसे कि यहाँ पर है इस साइड पे, तो ये इस रिंग में है इस साइड पे, फिर इस साइड पे, अब ऊपर नीचे भी अल्टरनेट करें तो वो सही होता है. जैसे कि एक यहाँ पर दे दिया, फिर दूसरे वाले में नीचे दे दिया, फिर तीसरे में इधर दे दिया, फिर चौथे में उधर दे दिया, ऐसे अल्टरनेट करें. तो अल्टरनेट करने से ज़्यादा स्ट्रेंथ आता है, मतलब स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता है इसमें. तो एक साथ आप लेपिंग प्रोवाइड करेंगे तो ये पूरा वीक हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा कंपैरिजन टू अदर पार्ट. तो एक पार्ट को पूरा वीक नहीं करना है, इसको अल्टरनेट करना है, अल्टरनेट करके फिर शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना है. यहाँ पर आप देख सकते हैं लैपिंग भी प्रोवाइडेड है, जो नीचे का जो रॉड है
क्लोज करके दिखाता हूँ मैं, इसमें लैपिंग है। तो लैपिंग तो कंस्ट्रक्शन में मतलब नॉर्मल सी बात है, लैपिंग करना ही है, क्योंकि एक रॉड का लेंथ होता है 12 मीटर, मतलब 40 फीट। तो 40 फीट पूरा आप रॉड नहीं लगा सकते, रॉड काटना पड़ता है, जगह जगह पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कटिंग करना पड़ता है। तो ये लैपिंग प्रोवाइड करना ही पड़ता है हमको। तो ये लैपिंग का स्पेसिफिकेशन है, लैपिंग आप आपके मन मर्जी नहीं दे सकते। लैपिंग का स्पेसिफिकेशन है IS 456-2000 में। तो लैपिंग लेंथ जो है वो कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर के लिए अलग है। टेंशन मेंबर मतलब फ्लेक्जरल टेंशन मेंबर जो बीम है उस वो है फ्लेक्जरल टेंशन मेंबर, उसके लिए लैपिंग लेंथ है LD के समान, मतलब डेवलपमेंट लेंथ के इक्वल। और डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वो डाल भी दिया है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो फ्लेक्जरल टेंशन मेंबर के लिए डेवलपमेंट लेंथ के समान होना चाहिए, और 30D उसमें से जो वैल्यू ग्रेटर आएगा वही हम प्रोवाइड करेंगे। मतलब डेवलपमेंट लेंथ और 30D, 30D मतलब रॉड का डाया है 16 mm, तो 30D होगा 30 × 16, मतलब 480 mm, 48 cm। तो डेवलपमेंट लेंथ और 48 cm दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, वही लैपिंग लेंथ हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 फीट के करीब लैपिंग लेंथ है, 60 सेंटीमीटर, 600 mm। ये देखिए, ये है जो बार, मेन बार है टाई बीम का, उसका हुक। ये अभी 9 इंच का है, मतलब 225 mm, और ये बीम और कॉलम का, ये बीम हो गया बीम का केस, और ये है कॉलम, कॉलम का 8 बार आप देख सकते हैं, 8 बार्स। तो बीम और कॉलम का जंक्शन ये होता है, मतलब टाई बीम से जो भी रॉड आता है वो आने के बाद 90 डिग्री स्टैंडर्ड हुक होके, 9 इंच का है यहाँ पर, 9 इंच का 90 डिग्री स्टैंडर्ड हुक, तो ये ऐसे अटैच हो जाता है कॉलम के साथ। ऊपर का हुक नीचे तक आएगा और नीचे का हुक ऊपर आएगा ऐसे। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हुक कैसे गया है। ऊपर का जो मेन बार है उसका हुक 90 डिग्री एंगल होके नीचे आया है, और नीचे का 90 डिग्री एंगल होके ऊपर गया, ये नीचे का और ये ऊपर का नीचे आया है। ये बीम और कॉलम का प्रॉपर जंक्शन अब देख सकते हैं, सारे कॉलम को टाइट किया हुआ है टाइट बीम से, मतलब ग्रेट बीम से, और इसका कास्टिंग एक साथ नहीं कर सकते हम, क्योंकि वेदर का प्रॉब्लम चल रहा है, अभी यहाँ पर बारिश चल रही है तो काम रुक रुक के हो रहा है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि पूरे टाइट बीम को, ग्रेट बीम को एक साथ कास्टिंग ना करके पार्ट बाय पार्ट करें, ताकि काम चलता रहे। तो यहाँ पर एक पार्ट का कास्टिंग हो चुका है, आज ही हुआ है, और इसी का ही एक पार्ट चल रहा है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए टाइट बीम, बीम का कास्टिंग चल रहा है। तो यहाँ पर जो कवर है वो है 1.5 इंच, कंक्रीट का कवर 1.5 इंच है, अप्रोक्सीमेटली 35 mm। बाकी स्टील का जो भी डिटेलिंग है मैं दिखा चुका हूँ आपको। अच्छा, और एक बात, मैंने फ्लेक्जरल टेंशन मेंबर के लिए
लैपिंग लेंथ का स्पेसिफिकेशन बोला लेकिन कंप्रेशन मेंबर के लिए नहीं बोला है। तो कंप्रेशन मतलब जो वर्टिकल मेंबर है जैसे कि कॉलम, इसके लिए लैपिंग लेंथ का स्पेसिफिकेशन थोड़ा अलग है। तो इसके लिए ये है कि LD और 24D, इसमें से जो ग्रेटर है, LD मतलब डेवलपमेंट लेंथ और 24D मतलब 24 डाया ऑफ रॉड। Thank you.